राम जन्मभूमि का जो मसला है इसके समाधान की बात हो रही है कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। और इंद्रेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसका समाधान अगर आपसी वार्ता से और कोर्ट से भी एक इसका स्थायी समाधान निकाल कर हो सकता है तो इससे बड़ी बात घटनाएं जो बताऊंगा वो ये कि इंद्रेश जी ने कहा कि जो लोग कुप्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, भड़काते हैं, दरअसल वो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें मैं मानता हूं कि मैं खुद पत्रकार हूं, मीडिया में हूं, 25 साल से ज़्यादा समय मुझे मीडिया में हुआ, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें भड़काने में, गलत तथ्यों को देने में मीडिया का बहुत बड़ा एक हाथ है, बहुत बड़ा वर्ग है जो इस तरह के तनाव पैदा करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है। और इस संदर्भ में मैं आपको जो घटना है उसी संदर्भ में बता रहा हूँ। जो 6 दिसंबर की जो घटना हुई उस वक्त जो है वहाँ पर जब कार सेवक उस ढांचे पर चढ़ गए और उसके बाद जो है ये खबर आई थी कि मैं वहाँ पर पत्रकारों की पिटाई हुई और कुछ पत्रकारों की वहाँ पिटाई भी हुई थी, उनके कैमरे तोड़ दिए गए थे। और एक विदेशी पत्रकार थे जिनके बारे में मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, जिनके बारे में ये खबर आई थी कि उनका बटुआ किसी कार सेवक ने चुरा लिया है और इसको मीडिया हेडलाइंस में दिया गया कि ये कैसे राम भक्त हैं जो पत्रकारों के जो है बटुए जिन्होंने मार लिए और उनके जेब से पैसे निकाल लिए, पत्रकारों की पिटाई करी। तो बहुत ये घटना अपने आप में बहुत इसका प्रचार हुआ था, लेकिन बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई तो इसकी दो सच थे। एक सच ये था कि हाँ पत्रकारों के कैमरे तोड़े गए थे और उस वक्त मेरे पास भी कैमरा था, मैं थोड़ा लेट वहाँ पहुँचा था, लेकिन मुझे कार सेवकों ने मुझे कहा जब मैंने कैमरा निकाला और मैं बिल्कुल उस ढांचे के सामने था और जब मैं क्लिक करने के लिए अपना कैमरा निकाला तो मुझे वहाँ पर कार सेवकों ने कहा कि भाई साहब अपना कैमरा अंदर रख लीजिए। मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि आसपास कोई कैमरा पर्सन, कोई मीडियाकर्मी नहीं है, क्योंकि तब तक सब लोगों को वहाँ से उनको हटा दिया गया था, उनके कैमरे तोड़ दिए गए थे। तो मुझे अचानक ये लगा क्या हुआ, तो मुझे कार सेवकों ने कहा कि ऐसा है कि अपना कैमरा अंदर रख लीजिए नहीं तो कैमरा तोड़ दिया जाएगा। मुझे लगा ये क्यों हो रहा है। बाद में जब मैंने बहुत कार सेवकों से बात की और इसकी गहराई में जाने की कोशिश की तो एक बात सामने ये आई कि आपको मालूम है उससे पहले 1990 में कार सेवा हुई थी जब कुछ कार सेवकों ने उस बाबरी ढांचे के ऊपर, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने चुनौती दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन कुछ कार सेवकों ने उस मस्जिद के ऊपर जो है जो ढांचा था उस ढांचे के ऊपर भगवा लहरा दिया था। तो ये बात सामने आई कि उसमें दो जो कोठारी बंधु कलकत्ता के भाई थे, पश्चिम बंगाल के जो कोठारी बंधु राम कार सेवक गए थे, उनको उस तस्वीर से, उस वक्त दरअसल पुलिस ने देखा था कि कौन कौन कार सेवा कर रहा था और कौन कौन वहाँ चढ़ गया था, उसको आइडेंटिफाई किया गया था और जो कोठारी बंधु थे उनको भी आइडेंटिफाई करके मारा गया था, उनके जो है उनको गोली से मारा गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, हत्या ही मैं कहूँगा। तो इसलिए उस समय कार सेवकों को ये निर्देश थे कि आप जो करेंगे, इस तरह की कार सेवकों में अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कैमरे पर ना आए, तो इसलिए कैमरे तोड़े गए थे। बाद में जिस विदेशी पत्रकार के बारे में कहा गया था कि उसका पर्स जो है मार दिया गया, उस विदेशी पत्रकार ने बाद में खुद ये बताया कि दरअसल मेरा कैमरा छीना था, उसमें मुझे चोट लगी थी, लेकिन कार सेवक मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और उस बीच मेरा बटुआ कहीं गिर गया, लेकिन 2 दिन बाद मेरा बटुआ मुझे किसी कार सेवक ने ला के दिया कि सर ये आपका बटुआ उस वक्त गिर गया था। तो उस कार सेवक ने कहा कि मेरा बटुआ उन लोगों ने लौटाया, लेकिन ये खबर मीडिया में कहीं नहीं आई। खबर ये आई कि राम सेवक जो वहाँ कार सेवक थे वो दरअसल पत्रकारों की जेब मार रहे थे, पॉकेट मार रहे थे। तो ये घटना कैसे ट्विस्ट होती है। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि मैं वहां पर उस वक्त स्टेज में था जब ये सब कुछ चल रहा था, मैंने कई वहां पर जो नेता थे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मामला जो है ये इसकी जांच चल रही है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ढांचे को गिराने के लिए कह रहे थे, जरूर कह रहे थे कि एक धक्का और दो, लेकिन उस वक्त आडवाणी जी मंच पर थे और आडवाणी जी के चेहरे पर मैंने भाव देखे थे, मैं उनके बिल्कुल बगल में था और आडवाणी जी ने एक बार भी मंच से ये नहीं कहा कि इस ढांचे को तोड़ दो, किसी उन्होंने मन से किसी कार सेवक को नहीं कहा कि सौगंध राम की इस ढांचे को तोड़ दो, लेकिन एक महिला पत्रकार ने बाकायदा इसके ऊपर लेख लिखा और उसके बाद आयोग में जाकर ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि आडवाणी जी वहां पे नारा लगा रहे थे कि इस जो है ढांचे को तोड़ो, सौगंध राम की तुमको मैं देता हूं, जबकि आडवाणी जी ये कह रहे थे मैं आपको राम की सौगंध देता हूं, आप ढांचे के नीचे उतर आइए। और उस महिला पत्रकार ने पूरा झूठ चला। मैं आडवाणी जी से जाकर एक दिन बोला था, मैंने कहा मैं वहां मौजूद था, मैं चाहता हूं कि मैं भी आयोग में अपनी बात रखूं क्योंकि ये बात झूठ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो आडवाणी जी ने कहा नहीं, झूठ के पाँव नहीं होते, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये अपने आप खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन झूठ के पाँव मीडिया आजकल
आजकल दे रहा है, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है ये झूठ फैलाने में। और इसलिए जो है आज भी अगर तनाव पैदा करने में कहीं कोई मीडियाकर्मी कोई पत्रकार इस तरह की कोशिश कर रहा है, तो आप सब लोग थोड़ा अपने आँख कान खोल के रखिए और उस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें, ये मेरा आपसे अनुरोध है।